हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पगड़ी नगर कस्बे के प्राथमिक विद्यालय में गांव की सभी आंगनवाड़ी केंद्र का सामूहिक रूप से राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया। उप सरपंच कमलेश लोहार व समाज सेवी कांग्रेस नेता डाया राम माली ने राष्ट्रीय पोषण दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी रुक्मा भट्ट ने कहा कि गर्भावस्था में महिलाओं को पौष्टिक व संतुलित भोजन करना चाहिए जो माँ व बच्चे के लिए आवश्यक है। संतोष शर्मा ने भोजन से मिलने वाले विटामिन व प्रोटीन की जानकारी देते हुए फास्ट फूड से बच्चों व महिलाओं को दूर रहने को कहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अंजुमन बानो ने बताया कि महिलाओं को नियमित रूप से भोजन में हरी व पत्तेदार सब्जियां, दाल फलों का सेवन करते रहना चाहिए। जन प्रतिनिधि व उप सरपंच कमलेश लोहार ने समय समय पर टीकाकरण करवाने तथा पौष्टिक भोजन करने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आईचुकी देवी, रुक्साना बानो, रश्मि शर्मा, आशा संतोष मेवाड़ा, संतोष कवर, कंचन भट्ट, साथिया स्नेहलता, धनकी देवी, देवी बाई, उमराव देवी, हसीना शाइन बानो व विद्यालय के अध्यापिका अनीता सहित महिलाएं व ग्रामीण उपस्थित थे। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।